गाइज आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको परवल की चटनी बनाने सिखा रही हूँ। आप एक बार मेरे बताए हुए पे ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा कैसा लगता है। देखिए ये परवल है, इसको थोड़ा सा पहले छील लेना है, हल्का सा छीलना नहीं है मतलब क्या, थोड़ा सा चाकू से इसको ऐसे कर लेना है और ये काट लेना है दोनों साइड का कुछ इस तरह। देखिए मैं बना रही हूँ, देख सकते हैं कुछ इस तरह परवल को करके काट के इस तरह कर लेना है। देखिए उसके बाद परवल को धो के कुकर में डाल के इसको दो सीटी लगा देना है, इसमें दो सीटी एकदम घुल जाना चाहिए परवल। उसके बाद मैं बताती हूँ कैसे बनाना है इस चटनी को। और ये देखिए परवल को मैं अच्छे से सिझा ली हूँ, आप देख सकते हैं। इसका पानी हटा दीजिएगा, पानी हटा के इसमें डाल देना है सारा परवल, ये मिक्सी के जार में पीस देना है। उसके बाद इसमें मिर्ची डालना है, अगर बच्चे खा रहे हैं तो प्लीज़ मिर्ची मत डालें। देखिए मिर्ची डाल दीजिए और आपका ये लहसुन, लहसुन डाल दीजिएगा और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। देखिए नमक, हम तो सेंधा नमक खाते हैं, आप लोग जो नमक खाते हैं वही डालिएगा। देखिए ये नमक डाल दीजिएगा, उसके बाद इसको पीस लेना है जार में मिक्सर में। ये देखिए हम पुदीना लगाए हैं अपने बागवान में, दो चार को इसका पत्ता तोड़ के उसमें डाल देना है। ये देखिए ये पुदीना का पत्ता है, इसमें डाल दे रहे हैं। हम जो खाते हैं वही वीडियो डालते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल देते हैं। हम जो जो खाना बना रहे हैं वही वीडियो डाल रहे हैं। आप लोग भी टेस्ट कीजिएगा, इसको पीस कर आते हैं उसके बाद बताते हैं। इसमें एक चीज़ और डालना है, क्या डालेंगे आपको दिखाएंगे। ये देखिए मिक्सर में पीस रहे हैं और देखिए कुछ इस तरह चटनी पीस के तैयार है। और इसमें थोड़ा सा ये नींबू, थोड़ा सा नींबू गाड़ दीजिएगा, डाल दीजिएगा। इसमें बीज हटा दीजिएगा, बीज नहीं डालना है, नींबू डाल दीजिएगा। उसके बाद आप खा कर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा।